बस उसको सही छत्रपति सर अंडर 14 और अंडर 19 मैंने बड़ी अच्छी परफॉर्म किया सर। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। और मथुरा गए थे शाबाश। गीतांशु सर ये ऑल ऑर्डर है हमारे सरपंच उनको लगता है। अच्छा अच्छा क्या शिवंश सर ये लड़का हमारा अंडर 19 में इंडिया की टीम में सेलेक्ट हुआ है। बहुत अच्छा सर ये बॉलर है। अच्छा स्टेट की टीम में से 7 लड़के हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं। फिर सर बॉलर है सर जी मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन सर। भी अंडर 19 में सर मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन सर। ठीक सर ये कोई बात नहीं होता सर। शाबाश मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन सर। ठीक है ठीक है नाम छत्रपति रघुवंशी है। ठीक है आज आप यहाँ डीसी ऑफिस में आए थे और ये जो गोल्ड ये मेडल जो मिले हैं ये क्या कौन सी स्पोर्ट्स में थे आप जो सर? ये क्रिकेट में थे। नेशनल चैंपियनशिप खेलने के लिए गए थे अपनी स्टेट की तरफ से और सेकंड प्लेस आए हैं आया है हमारी टीम का। कौन सी जगह गए थे खेलने? सर मथुरा यूपी। आप सभी को पता है यूपी के मथुरा में यूथ एंड स्पोर्ट्स पर प्रमोशनल एसोसिएशन की तरफ से एक गेम्स का आयोजन किया जा रहा था वहाँ पर जिसमें अलग अलग गेम्स थी। उसमें जम्मू कश्मीर की तरफ से रिधिमा स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से क्रिकेट की टीम जहाँ से गई हुई थी अंडर 19 की और कुछ बॉक्सिंग के प्लेयर भी जहाँ से गए हुए थे। हमारे पूरे कठुआ के लिए और ख़ासकर पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की क्रिकेट की टीम है वो सेकंड प्लेस पे वहाँ पे रही और उसके साथ साथ ही बॉक्सिंग में हमारे एक लड़का है उसने वहाँ पे गोल्ड मेडल आया और एक लड़की है उसने भी वहाँ पे बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल आया। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है जम्मू कश्मीर के लिए। तो मैं इन बच्चों को ही हौसला अफजाई करता हूँ और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और ऐसे ही भगवान से आशा करता हूँ जो रिधिमा स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया है ऐसे ही काम करते रहे और आज डीसी साहब ने उनको बच्चों को शाबाश दी है और अपने हाथों से मेडल पे पहनाए हैं और इनको आश्वासन दिया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की चिंता आपको पड़े तो मेरे दरवाजे आपके लिए बहुत हमेशा खुले हैं। मैं डीसी साहब को सल्यूट करता हूँ उनके काम के लिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।